हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान भारी बारिश से प्रभावित पीड़ितों को गहलोत सरकार देगी मुआवजा। राजस्थान में जोधपुर समेत कई इलाकों में कहर बनकर बरस रही बारिश से हुई भारी जनधन के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जोधपुर सहित कई जगहों पर अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। जनहानि होने की स्थिति में चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए परिवारों को 5 लाख रुपए परिवार की सहायता दी जाएगी। साथ अतिरिक्त आपदा के प्रावधान लागू होने पर राज्य आपदा राहत कोष से जनहानि होने की स्थिति में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सहायता दी जाएगी। सीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि घायलों को भी नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवास एवं पशुधन को हुए नुकसान का सर्वेक्षण करवाकर वर्षा के रुकते ही प्रारंभ हो जाएगा। गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव और त्वरित राहत पहुँचाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पूरी सावधानी बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। जोधपुर जिला प्रशासन के आग्रह को मानकर सीएम गहलोत ने अपना जोधपुर दौरा स्थगित किया है ताकि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आहत को राहत पहुँचाने की रफ्तार बनी रहे। गहलोत जोधपुर जिले में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थितियों में राहत और बचाव को लेकर गंभीर है। जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में राहत कार्यों की हर गतिविधि नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार जिला प्रशासन से संपर्क कर नियमित जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मिशन मोड पर राहत कार्यों को अंजाम देने और अपील के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर जिले में बीते 3 दिनों से हो रही अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन में जुटे अधिकारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य करवा रहे हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री का 28 व 29 जुलाई का होने वाला जोधपुर का प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया है। जोधपुर में तेज बारिश को देखते हुए सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में 26 जुलाई से ही अवकाश घोषित किया हुआ है। जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से जल भराव से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए इंदिरा रसोई के जरिए भोजन के पैकेट्स की व्यवस्था की जा रही है। अतिवृष्टि के मद्देनजर संभाग मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट एवं नगर निगम स्तर पर एक एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना के अंतर्गत एहतियात के तौर पर SDRF भी तैनात है। असुरक्षित मकानों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाकर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।